हैदराबाद और तेलंगाना में फंसे लोगों की घर वापसी के लिए झारखंड के बोकारो से एक महिला ने सरकार से गुहार लगाई। झारखंड के बोकारो जिला के चाकुलिया पंचायत के अंतर्गत रामटी टोला में एचपीएन न्यूज के कैमरे के सामने एक मां का दर्द फूट पड़ा। दरअसल रामटी गांव के 13 लोग हैदराबाद और तेलंगाना में फंसे हैं। लॉकडाउन के बाद इन लोगों का ठेकेदार रामू इन सभी को छोड़कर भाग गया। फिलहाल इन लोगों के पास खाने के नाम पर कैंपेन के दौरान बांटे जाने वाला ही खाना है। गांव के लोग मुकेश, परेश, सहदेव, सीताराम समेत बाकी के सभी लोग नंदनम वेनम कॉलोनी सारूर नगर मेडिकल जिला हैदराबाद में फंसे हुए हैं। इनकी दो टीम है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से इन्हें जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचाने की मांग की है। आज एचबीएन न्यूज पहुंची है ग्राम रामडी चाकुलिया पंचायत बोकारो जिला के अंतर्गत। एक माँ का दर्द फूट पड़ा न्यूज को देखते हुए। आइए देखते हैं इन माता के साथ क्या समस्या हुई है। बोलिए माता जी। छेला गिल छेवा मो हैदराबाद घुरा छेला रा बहुत खेल हच्छे कम नहीं पाठ नहीं कोनो नहीं हमारा सवाल बहुत खेल कोनो यहाँ। कितना बच्चा आपका हैदराबाद में है? हमारा 13 मेरा गांव का 13 है। पूरा गांव का 13 है? पूरा गांव का 13 बच्चा है। आपके उसमें कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं। हैदराबाद में काम कर रहे थे और आज पिछले ठेकेदार ना भाग दिया। किसके पास काम करता है लोग? ठेकेदार का नाम तो सर नहीं मालूम। लड़का का नाम बताइए। अपना लड़का को मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ। आपका लड़का भी देखेगा इसको? परेश बावरी। और दूसरा? मुकेश बावरी। हाँ। और दो महीना से लॉकडाउन के अंतराल, क्या कोई समस्या आप लोगों को? सबसे बड़ा दर्द आपके पास यही है कि आपके बच्चे दूर हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। उनका परिवार है, यहाँ बच्चा भी है। बच्चा भी है तीन। आपका माता जी? अच्छा, कौन चावल दे के गया? बावरी संघर्ष मोर्चा से लोग आप लोगों को चावल दाल दे करके गए हैं। ठीक है, लेकिन और दूसरा कोई मदद आपको नहीं मिल पाया है। इस तरीके की समस्या ये पूरे गांव में बोलते बोलते बेचारी रो पड़ रही हैं, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। 13 बच्चे इस गांव के हैं जो कि हैदराबाद में फंसे पड़े हुए हैं। गांव के ही एक सदस्य हैं जो कि पूरी पुष्टिकरण के साथ बताएंगे कि क्या समस्या है। जी सर, इस गांव का प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ तो सबसे देहात क्षेत्र है, यहाँ पे जो है आदमी लोग सब डेली कमाने वाला खाने वाला आदमी है, और फिलहाल अभी 2 महीना से जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से सब कोई परेशानी में है। थोड़ा है ना, आमदनी नहीं हो रही है तो दिक्कत तो होना ही है ना, पैसे का भी अभाव है। ऐसे तो बावरी संघर्ष मोर्चा के तरफ से जो संगठन ये चल रहा है वो उनके तरफ से कुछ दिन पहले जो है चावल और आलू का जो है वितरण किया गया था। उसके बाद सर यहाँ पे कुछ लड़का लोग जो यहाँ के हैं जो बाहर गए हुए काम करने के लिए, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि वो बच्चा को जो है सर कम से कम उनके घर वालों तक पहुँचा दें। कहा कि वो लोग थोड़ा परेशानी में है वहाँ पे, ठेकेदार उन लोग को जो है काम पर ले जा कर वहाँ से वो लोग भाग गया है, ठेकेदार भाग गया है, वो लोग खाना वाना नहीं मिल रहा है, लोग बहुत ही दिक्कत में है। अब हम लोग मिलते हैं सोसाइटी के जिला अध्यक्ष, बोकारो संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष, बावरी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं किशोर कुमार बावरी, जो कि आप लोगों के समक्ष बताएंगे समस्या को। नमस्कार दोस्तों, बावरी संघर्ष मोर्चा एक सामाजिक संगठन है और इस लॉकडाउन के दरमियान विभिन्न जगहों में जरूरतमंदों के बीच एक खाद्य सामग्री हो, खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम हो निरंतर चल रहा है।
और आगामी पिछले दिन नंदवा स्थान में सुभाष भारती के नेतृत्व में दाल भात सब्जी दोपहर में जरूरतमंदों के बीच बांटा जा रहा है और पुनः वो आज शुक्रवार से यहाँ शुरू हो गया है और ये 17 तारीख तक निरंतर चलते रहेगा। और भारी संघर्ष मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में निरंतर प्रयास कर रहा है, जरूरतमंदों के बीच पहुंच रहा है और ये आज हम चकुलिया पंचायत के अंतर्गत रामडी ग्राम में है। यहाँ भी हमारे संगठन ने चावल और आलू का वितरण किया था जरूरतमंदों के बीच और हमारा रिक्वेस्ट है कि यहाँ से 11 बच्चे जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हैदराबाद गए हुए थे वो लॉकडाउन में फंसे हुए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग को अपने घर तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद। सरकार से अंतोगत्वा में इस माता की चेहरा को दोबारा दिखाना चाहूँगा जो कि अभी भी रुदन से भरी हुई है और हाथ को तब से जोड़ी हुई है। इस गांव के करीब 13 बच्चे हैं जिनके ठेकेदार जिनके पास ये लोग काम करने के लिए बच्चे लोग गए थे वो भी उन बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। सोचिए आप सभी लोग कि पिछले 2 महीने से वे बच्चे किस तरीके से किस हाल में होंगे और इन माताओं को क्या इनके ऊपर बीत रहा होगा जो कि आज ये चेहरा देख लीजिए जिससे आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि वाकई में इस लॉकडाउन का कष्ट है। लेकिन हम सभी लोगों को इसको मेंटेन करते हुए चलना होगा क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है जिस बीमारी से हमारा देश ही नहीं पूरा दुनिया जूझ रहा है। इस गांव की सबसे बड़ी मिसाल आप सभी देख सकते हैं, पढ़े लिखे हो या ना हो सोशल डिस्टेंस का मेंटेनिंग ये सभी लोग पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, निभा रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग संघर्ष मोर्चा की ओर से ही कर रहे हैं, है ना, जो कि हमारे गांव से गांव के लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं उनके मदद किया जाए। और हमारे अभी तो 13 आदमी जो बाहर में है उसका कोई उसका जो परिवार है उसका भरण पोषण के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, इसका भी जरूरत के लिए हमारे हेमंत सरन जी से कुछ हेल्प दिया जाए, मैं ये चाहता हूँ। मैं अनुराग झा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो, HBN न्यूज़ से।